राजस्थान में उपचुनावों की तारीख नजदीक आ रही है। इसके साथ ही प्रदेश में अब आपस में बटे पार्टी के नेता भी एक होने में जुट गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां खुद को मजबूत और एकजुट दिखाने में जुटी हुई हैं। उन्होंने भी स्पष्ट संकेत दे दिया कि राजस्थान में उनकी पहुंच के बराबर कोई नेता नहीं है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माता के निधन पर और औसिया विधायक दिव्या मदेरना के पिता महिपाल मदेरना के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट करने पहुंची थी। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वसुंधरा को देखने के लिए लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। लोग वसुंधरा को हाथ जोड़कर नमस्कार करते तो दिखे ही, साथ ही उनकी एक झलक पाने के लिए भी बेताब थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वसुंधरा भी अपने फैंस के पास पहुंची और उनसे हाथ मिलाया। अगर इसे वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे लोगों के बीच पहुंचकर दुआ सलाम करती नजर आई, उससे एक बात तो साफ है कि वसुंधरा की लोगों में एक अलग ही छवि है। जिस तरीके से एयरपोर्ट पर वसुंधरा राजे के समर्थक जुटे और फिर नारे लगे, उसके बाद इसे वसुंधरा राजे की शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और फिर नारेबाजी भी हुई। नारेबाजी में वही नारा गूंज उठा, जिसके बाद वसुंधरा सरकार और केंद्र सरकार के बीच कुछ खटास पैदा हो गई थी। नारा था, केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा। शायद वसुंधरा राजे को भी ये उम्मीद कम थी कि इतनी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता जुटेंगे और पूरे दिन काफिले के रूप में उनके साथ रहेंगे। एयरपोर्ट वसुंधरा राजे ने भी अपने कार्यकर्ताओं को मायूस नहीं किया और एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात की। बहरहाल बीजेपी में अभी दो गुट बनते नजर आ रहे हैं, एक जो केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से चल रहा है, दूसरा जो वसुंधरा राजे चला रही है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के समर्थक जहां उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगते हैं, तो वहीं वसुंधरा के समर्थक केसरिया में हरा हरा राजस्थान में वसुंधरा का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।